न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश में प्रदेश की सरकारों ने जब से पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू की है तभी से लोगों में भी भारी जागरूकता आई है और मानसून का सीजन शुरू होते ही स्कूलों से लेकर अन्य सार्वजनिक स्थानों तक हर कोई पौधारोपण में जुट जाता है। इसी के चलते बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष पारिसा शर्मा ने आज अपने ससुर रमेश शर्मा की पुण्यतिथि पर गढ़ी बोलनी रोड स्थित अपने फार्म हाउस पर भारी संख्या में पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और पौधारोपण किया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने पारिसा शर्मा के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि पौधारोपण आज की जरूरत बन गया है और हर कोई नागरिक का दायित्व बनता है कि वह पौधारोपण अवश्य करे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में पारिसा शर्मा ने कहा कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब उन्होंने पौधे लगाकर अपने ससुर की पुण्यतिथि मनाई है। परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन और सालगिरह के अवसर पर वे 5 पौधे अवश्य लगाती और लगवाती रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ के परिणाम आज मनुष्य के सामने आ रहे हैं जिसके कारण आज जीव जंतुओं सहित मानव जीवन भी प्राकृतिक आपदाओं से भरे संकट से गुजर रहा है। यदि आज हमने पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी संख्या में पौधे नहीं लगाए तो आने वाले समय में घोर पर्यावरण संकट आ जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में भी पर्यावरण काफी मात्रा में प्रदूषित हो चुका है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है जिसे रोकने का एकमात्र उपाय ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को एक एक पौधा वितरित किया, साथ ही ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैं पारिसा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, एंड आज मेरे ससुर जी की, स्वर्गीय ससुर जी श्री रमेश चंद शर्मा जी की पुण्यतिथि है जिसके अवसर पे हमने 100 पौधे लगाने की बीड़ा उठाया और वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। पर्यावरण के लिए हम ये सोचेंगे कि जैसे कि हमारे पास पड़ोस में जितने पौधे लगे, हमारे जन्मदिन हो, हमारी शादी की सालगिरह हो, हम 5-5 पौधे अगर हर सदस्य हम लगाएं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है पर्यावरण को लेकर। और पर्यावरण इतना आजकल दूषित हो रहा है हमारा, तो बच्चों को सांस लेने में, बड़ों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है जिससे हम दवाइयाँ खा रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा कि पौधे काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे इतने नष्ट किए जा रहे हैं जिससे हमारा जो कि ग्लोबल हमारी वार्मिंग है बहुत ज़्यादा नष्ट हो रही है और उस माहौल में पल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम दूषित हवा के पें। हम अगर हर सदस्य को हम ये राय देंगे कि जो भारत का मेंबर है हर 5 पौधे लगाए, हर घर में 5 पौधे लगाए। स्कूलों में आजकल बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि अपने घर में जाओ पौधे लगाए और आज हम 100 पौधे लगा रहे हैं और जो हमारे अतिथिगण आए हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं, हम सबको एक एक पौधे देकर उन्हें ये सुझाव देंगे कि अपने घर में जाकर पौधे लगाइए, उनके बच्चों की तरह सेवा करें जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित रहित होता है। आप कैसे ध्यान में आए कि ससुर जी की पुण्यतिथि पर इस तरह से कार्यक्रम किया जाए? क्या पहली बार करें, पहले भी आपने इस तरह से किया और आगे? नहीं, पहले भी हमने मतलब मेरे ससुर जी की याद में धर्मशाला बनवाई है तो उनमें हमने पूरे पौधे लगाए थे, 50 पौधे वहाँ भी हमने लगवा रखे हैं। तो आगे भी इसी तरह से आगे भी हमारा इस तरह से सालगिरह मनाते हैं उसी तरह हम ये पुण्यतिथि हम भी हर बार मनाएंगे।